समाज के साथ ही बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उस पर पुनर्विचार करने के लिए याचिका देने के लिए रोड मार्च कर रहे थे। उस रोड मार्च बड़ी ही शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था, उसमें कोई भी उत्पात मचाने वाला व्यक्ति नहीं था। और जब अपनी बात कहने के लिए वो लोग जा रहे थे, लगभग एक घंटा वहां जाम लगा। जाम के दौरान हम लोगों ने देखा कि कोई भी मीडिया का आदमी वहां पर ये देखने तक भी नहीं आया कि ये जाम क्यों लगा हुआ है, लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। इसका कारण मुझे ऐसा लगता है जो हमारा समाज है, दलित समाज है, उसकी किसी को चिंता नहीं है। वो रोड पे जाके मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने घर में जाकर मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई जाति के नाम से गाली देकर के मार दे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है शायद हम इस देश के वासी ही नहीं है। हम लोगों ने बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से जब हम रोड मार्च करते हुए डीसी ऑफिस की तरफ जा रहे थे, एक ब्रिज आता है, उस ब्रिज के पास से जब हम निकल रहे थे तो अचानक एक घटना घटी कि तीन चार लड़के ब्रिज के ऊपर आते हैं, पता नहीं कहां से वो पत्थर लेकर के आते हैं और जो पुलिस फोर्स लगी हुई थी उस पर वो पत्थर फेंकते हैं और पत्थर फेंक करके वो तीन चार आदमी भाग जाते हैं। उनका किसी ने ना तो पुलिस वालों ने पकड़ा ना किसी और ने पकड़ा, और पुलिस ने सीधा जो वहां पे जो लोग निकल रहे थे उन लोगों पे अटैक कर दिया, उन लोगों के सर फाड़े, उन लोगों के साथ मारपीट करी और उन लोगों में जो बाइकों से निकल रहे थे उन लोगों की बाइकें वहां भगदड़ में रह गई और पुलिस ने वो सारी बाइकें उठा करके अपने थाने में ले गए और सीधा टैंकरों से जो ट्रक होते हैं ट्रकों में भर भर करके वो बाइकें लेकर गए। और साथ ही जो लोग पीछे रह गए, जो उनके पुलिस के हत्थे चढ़ गए, उनको सीधा जाति के नाम से गाली दे करके पुलिस वालों ने मारा। किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का सर फाड़ दिया, किसी के चार टाके आए हैं, किसी के पांच टाके आए हैं। जिस हमारी जो पीड़ा थी जातिवाद की पीड़ा, कि जो हमारे समाज पे अत्याचार होते थे जाति सूचक शब्दों से, उस पर एक जो धारा लगती थी SC ST एक्ट, उस पर विचार करने के लिए हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे थे, मगर पुलिस कर्मियों ने सीधा जाति के नाम से जाति सूचक शब्दों के साथ गाली गलौज करते हुए हमारे लोगों को मारा पीटा। और किसी ने इसका विरोध तक भी नहीं किया। साथियों मैं इतना ही कहूंगा।